क्या आपने कभी सोचा है कि फोनिक्स एक्चुअली आई कहां से? So today in this video, I am going to answer all your questions. तो आज आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने आज ये वीडियो नहीं देखा तो आप डेफिनेटली फोनिक्स का इतिहास जरूर छोड़ देंगे और आपको ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि फोनिक्स एक्चुअली एग्जिस्टेंस में कैसे आया. So hi, this is Shweta Gupta and I welcome you to my channel. And today I am going to cover a very sensational topic, that is phonics and its history. And don't forget to subscribe my channel and share it with your friends also. If you also have any queries, you may leave the comment in the comment box. But before that, let us start our today's video, that is phonics and its history. So main aapko leke chalti hoon 3500 BC mein, जहां हमने एक्चुअली इस तरीके का कल्चर स्टार्ट किया. सो दैट वॉज द एंशियंट ओरिजिन वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोग्लाइफिक्स एंड क्यूनिफॉर्म केम इनटू बीइंग. अब ये क्या था और कैसे शुरू हुआ? तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाली पिक्चर है हीरोग्लाइफिक्स की और राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है क्यूनिफॉर्म्स की. अब ये क्या है, जरा ज्यादा अच्छे से पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं. सो क्यूनिफॉर्म्स एंड हीरोग्लाइफिक्स. क्यूनिफॉर्म्स एक्चुअली एक सिंबल सिस्टम था, एक पिक्चर टू सिंबल कन्वर्सेशन सिंबल था, जहां पर ये एक्चुअली सुमेरियंस ने डेवलप किया और हीरोग्लाइफिक्स इजिप्शियंस ने डेवलप किया. क्यूनिफॉर्म्स क्ले टैबलेट्स पर लिखा जाता था और हीरोग्लाइफिक्स यूजुअली टेंपल वॉल्स में लिखे जाते थे. क्यूनिफॉर्म्स में स्क्रिप्ट क्या होती थी, वो पूरा पूरा सिलेबल को दिखाती थी, पूरा पूरा एक सिलेबल को दिखाती थी, जबकि हीरोग्लाइफिक्स में ये सिर्फ एक कॉन्सोनेंट को दिखाती थी, एक एक लेटर साउंड को दिखाती थी. तो क्या आप वो पिक्चर देखना चाहते हैं कि क्यूनिफॉर्म कैसा दिखता था और हीरोग्लाइफिक्स कैसा दिखता था? ये देखिए. सो जब आप क्यूनिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इनके सिंबल्स यूजुअली वेजेस के शेप में थे, यानी वेजेस मींस समवॉट triangular shape. So these were all in the wedges shape. While hieroglyphics, they were more of a individual picture, the real world picture. तो ये actually जो symbols थे, ये mode of communication था Egyptians और Sumerians का way back in 3500 BC. और वहां पर यही symbols use होते थे. तब alphabet नहीं था, ABCD नहीं था और कोई भी दूसरी लिपि नहीं थी, सिर्फ ये दो prominent लिपियां होती थी. Similarly, once we proceeded further, then came the Proto-Canaanite script. अब ये Proto-Canaanite script क्या है? जिसमें एक early alphabet को use किया गया 13th से लेके 12th century के बीच में. I'm talking of BC here. Let us see it in detail. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो pictures हैं, ये more or less थोड़ी थोड़ी हमें hieroglyphics जैसी दिख रही है. ये फिश है, ये एक मैन हो सकता है, ये एक हुक जैसा हो सकता है. तो यहाँ पे आप जितनी भी पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सारी इंस्पायर्ड थी हीरोग्लाइफिक्स से. और हीरोग्लाइफिक्स से अगर आप देखेंगे, अगर मैं ये लेती हूं तो ये वाटर का साइन था, ये धीरे धीरे ऐसा बना, इसको हीरोग्लाइफिक्स में और प्रोटो कैनोनाइट में मैम बोलने लगे. वो मैम करके, चूंकि इसका सिंबल ऐसा था, इसका नाम उन्होंने वाटर रखा, धीरे 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 उसको एक एम लेटर मिला, जो हम आगे अभी देखने वाले हैं. आफ्टर प्रोटो कैनोनाइट स्क्रिप्ट, जो हमारी एंसेस्ट्रल स्क्रिप्ट कहलाती है, वो है ग्रीक लीनिया ए एंड बी. सो फर्स्ट ग्रीक लीनिया ए केम, then some improvisation was done and then B came. So linear A, इसको हम simple linear AB भी बोलते हैं. So linear A and linear B are both syllabic scripts. What are syllabic scripts? Which are based on syllables, which are not based on sounds, which are not based on words and which are not based on vowels and the consonants. तो ये syllabic script है, syllables पे based होती थी और इसको languages लिखने के लिए use किया गया bronze age में. And linear A was the first which was used in 18th century, while after that linear B came. So क्या key differences हैं दोनों में, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं. Linear A में ज्यादा symbols थे, ज्यादा signs थे, linear B के comparison में nearly 500 signs थे. Linear B में सिर्फ 87 signs होते थे. This suggests the linear A was more complex language than linear B. Phonetic values क्या थी?
फोनेटिक वैल्यूज ऑफ मेनी साइंस ऑफ लीनियर ए आर नॉट नोन. हम उसको डिपेक्ट नहीं कर पाए, हम उसको आज तक इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन लीनियर बी के सारे साइंस को हम डिपेक्ट कर चुके हैं. डायरेक्शन ऑफ राइटिंग, लीनियर ए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीके से लिखा जाता था, जबकि लीनियर बी सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही लिखा जाता था. After that, Phoenician alphabet, और यहीं से हमारा term phonics आया है. बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं ये term कहां से आया, तो this is the reason, Phoenician alphabet. Now what is this Phoenician alphabet? It was a sort of a writing system which developed in the North Semitic alphabet and was spread all over the Mediterranean area by the Phoenician ट्रेडर्स. और यहीं से हमें सुराग मिला किसका, ग्रीक लेटर्स का. और यहीं से आगे जाके हम क्या देखेंगे, किस तरह से ग्रीक लेटर्स और इंग्लिश लेटर्स का डेवलपमेंट हुआ. तो अगर आप देखेंगे ये जो फनीशियन अल्फाबेट है, ये काफी कुछ रिजेंबल करता है हमारे आज के लेटर्स के साथ. दिस पिक्चर आई हैव टेकन इट फ्रॉम गूगल. यहां पर आप जो भी लेटर, आज का प्रेजेंट लेटर है, उसको जब कंपेयर करेंगे तो काफी कुछ आपको रिजेंबलेंस मिलेगा, क्योंकि वहीं से हमारा फनीशियन अल्फाबेट स्टार्ट हुआ था. सिमिलरली आफ्टर दिस द ग्रीक अल्फाबेट केम. नाउ व्हाट इज दिस ग्रीक अल्फाबेट? ग्रीक अल्फाबेट हैज बीन यूज्ड टू राइट द ग्रीक लैंग्वेज सिंस 9th एंड द 8th सेंचुरी. सो सबसे पहले ग्रीक, जिसे आज हम कहते हैं एंसिस्टर है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश स्क्रिप्ट का. तो ग्रीक लैंग्वेज 9th टू 8th सेंचुरी बीसी में डेवलप होनी शुरू हुई थी, और ये एक्चुअली फनीशियन अल्फाबेट से ही डिराइव हुई थी. It was the earliest alphabetic script, the Greek one, and it is having vowels and consonants both. So by the end of 4th century BC, isko aap Euclidean alphabet bhi keh sakte hain, Greek, which had 24 letters, aur isme F nahi hota tha, aur isme hum ABCD bhi nahi bolte the, hum kuch aur bolte the, hum dekhenge use bhi. So ye actually kahan se kahan tak jata tha? Alpha और ओमेगा तक जाता था. अल्फा से ओमेगा, ए टू जेड नहीं, अल्फा टू ओमेगा, एंड दैट वाज द यूक्लिडियन एंड द ग्रीक स्क्रिप्ट. तो थोड़ा सा नजर मारते हैं 24 लेटर्स कैसे थे. देखिए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्साइलन, जाय, ईटा, थीटा, कप्पा, लेंडा, म्यू, म्यू, साय, ओ, पाई, ये भी साय, ये भी साय, टॉ, mu, phi, psi, Schrodinger, and then omega. तो तब हम इसको ABCD नहीं बोलते थे, तब हम इनको इन नामों से जानते थे. And slowly and steadily with the help of alpha to omega. And आपको पता है ये नाम alphabet कहां से आया? ये alphabet नाम आया हमारे पहले दो Greek letters से, alpha and beta, that is alphabet. So that is why this range is there. So ye cheez aapko dikhai degi Greek alphabet mein. Lekin jaise jaise aap aage badhenge, aap dekhenge ki iska swaroop badal jayega. So this is alpha, beta, gamma, delta, epsilon, psi. Ye sare aaj ke present day letters mein convert ho chuke hain. Then came the Utrecian alphabet. So Utrecians kaun the, jo Greeks ke baad aaye, और उन्होंने यही ग्रीक अल्फाबेट को स्लाइट चेंजेस के बाद कंफर्म किया. स्लाइट चेंजेस एज इन दे टुक ऑल द ग्रीक लेटर्स, बट दे आल्सो एडेड फ्यू लेटर्स लाइक द लेटर एफ, व्हिच वाज नॉट देयर इन द ग्रीक, बट इट वाज देयर इन द एट्रूशियन लेटर सिस्टम, दैट इज द अल्फाबेट सिस्टम. देन केम द रोमन और द लैटिन अल्फाबेट, जिसे आप अब थोड़ा फेमिलियर हैं कि रोमन और लैटिन अल्फाबेट क्या है. ये लैटिन अल्फाबेट, अब जरूरत किस चीज की हुई? जरूरत हुई एक ऐसे लैंग्वेज सिस्टम की जो ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, एक ऐसा सेट जिसका 90% लेटर सिस्टम सारे लैंग्वेजेस में नोन हो, और उसी को आज हम लैटिन अल्फाबेट कहते हैं. दीज आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, रोमन बोलिए या फिर लैटिन बोलिए, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. द रोमन अल्फाबेट इज द स्पेसिफिक अल्फाबेट दैट वॉज यूज बाई द रोमन, while the Latin alphabet is the broader family of alphabets. Now why I am using alphabets here? I suppose आपने मेरा वीडियो अल्फाबेट और अल्फाबेट्स का जरूर देखा होगा, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हम ये अल्फाबेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेटर सिस्टम की
और ये लेटर सिस्टम सिर्फ एक लैंग्वेज का नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस का है। तो लैटिन अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का इंसिस्टर नहीं है, वो फ्रेंच का भी है, वो स्पैनिश का भी है, वो ग्रीक लैंग्वेज का भी है, वो इटालियन लैंग्वेज का भी है, और बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस लैटिन अल्फाबेट से डिराइव होती हैं। इसीलिए यहां पर अल्फाबेट टर्म को यूज किया नहीं गया है, यहां पर अल्फाबेट्स को यूज किया गया है। सो द क्लासिकल मॉडर्न लैटिन अल्फाबेट दैट हैड 23 letters, 21 of which were derived from the Etruscan alphabet. Etruscan से ही उन्हें 21 मिल गए थे, and then after modification they had 23, not 26. Till now हमारे पास 26 letters नहीं थे. And now you have the modern letter system, that is the modern Latin alphabet of English system, where you have 26 letters, both lowercase and the uppercase. The modern Latin alphabet had 26 letters, which were divided into two groups, uppercase and the lowercase. The uppercase letters, you know very well, मैंने इसका भी एक capitalization का rule बनाया हुआ है. तो uppercase या capital letters कहाँ use किए जाते हैं? इस वीडियो में देखिए. और लोअर केस लेटर्स को हम टेक्स्ट के अंदर लिखने के लिए यूज करते हैं. सो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो विच आई मेड ऑन द कैपिटलाइजेशन रूल्स. एंड सिंस 3500 BC वी हैव बीन यूजिंग द सिस्टम ऑफ साउंड्स वर्सेस सिंबल्स, सिलेबल्स वर्सेस सिंबल्स, सिलेबल्स वर्सेस साउंड्स, और इस तरीके के रिलेशनशिप्स को हम 3500 BC से यूज कर रहे हैं. The only thing is that today with the help of the modern English alphabet, you are better able to understand the rules and the English language. अगर अब आप इस चार्ट को देखें, this chart also I have taken from Google. हम यहां से शुरू करते हैं, प्रोटो-कैनोनाइट सिस्टम. वहां पर आपने देखा था छोटे 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 सिंबल्स है जो थोड़ा बहुत इंग्लिश, आज के इंग्लिश से रिजेंबल कर रहे थे. देन वी हैव दिस फोनीशियन अल्फाबेट. आप यहां पे देखेंगे काफी कुछ इंग्लिश से रिजेंबल कर रहे हैं. देन केम द एंशियंट ग्रीक अल्फा टू ओमेगा. ये अल्फा टू ओमेगा वाले सारे लेटर्स हैं. फिर इसके बाद आए एंशियंट लैटिन. एंशियंट लैटिन में काफी कुछ रिजेंबल अब आपको कर रहा होगा कि आज का इंग्लिश अल्फाबेट कैसे डेवलप हुआ. देन वी हैड द रोमन वन. रोमन में आप देख रहे हैं इतने लेटर्स हैं लेकिन एक्स वाई जेड नहीं है. अब जो मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट था उसमें ये 26 लेटर्स हैं और उसके साउंड्स हैं. तो इन मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट से जब वर्ड्स बने, डिक्शनरीज बनी, लैंग्वेज बनी, कम्युनिकेशन बना, तब उनसे कहीं जाके आपके पास आज प्रेजेंट डे इंग्लिश है. एंड देन वी डिवाइज द साउंड्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू आर लर्निंग द स्पेलिंग मींस टुडे. तो आशा करती हूं ये वीडियो तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा. और अगर ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. बाय.